अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा ये वीडियो सैयद अब्दुल कदीर के लिए है, जो अपने आप को बड़ा दीनदार और दूसरों को नसीहत देता है, जो खुद ही ज़ीरो है, जिसको इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है और चला है दूसरों को नसीहत देने के लिए। उसने कल वीडियो बनाकर मुझे नसीहत दे रहा है वो, और बोल रहा है असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद के बादशाह है। तो मैं सैयद अब्दुल कदीर को कहूँगा, तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत रसूल दाढ़ी है, तुमको ये बात जेब नहीं देती, शर्म आना चाहिए तुमको। इतना भी नहीं पता तुमको, हम मुसलमान और पूरी कायनात के बादशाह अल्लाह ताला है, हमारे कायद हमारे रहबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उन्हीं को ही बादशाह बोलते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। तुम सूदखोर और कातिल लोग को बादशाह बोल रहे हैं, अच्छे मुसलमान को भी हम बादशाह का मर्तबा नहीं दे सकते, बादशाह हमारे लिए अल्लाह और रसूल है। और तुम जो बोल रहे हो ना, किराए का घर, गरीब माँ गरीब बहन, अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब है और ईमान का तकवा हमारे पास है, और हम ईमानी जज्बे पे हरामखोरों को जवाब देने वाले इंसान हैं, तुम्हारी तरह गुलामी और दलाली करने वाले नहीं, जिस तरह तुम कभी माजिद हुसैन कभी इलियास शरफुद्दीन कभी इनकी कभी उनकी गुलामी करके अपना घर में राशन दाल लेके अपने अमीर माँ बाप अपने अमीर बहन अपने अमीर बाप को जो पालते हो तुम, हम नहीं करते वैसा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वालिद की मेहनत पर पढ़ते हैं, पूरे काले पुत्र को भी पता है, बस हम पे जब फॉल्स केसेस डाल दिए जाते हैं हम जेल जाते हैं, तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा हमको जेल से छुड़ाने के लिए आगे आता है, लेकिन वो हमारा घर नहीं चलाता, जिस तरह तुम दलाली करके जो दूसरे लीडर्स तुम्हारा घर चलाते हैं वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हारे जैसे लोग हो या कितने भी हरामखोर लोग हो, उन पर भारी है। और जो तुम बोल रहे हैं ना इमरान की हालत देखो, इमरान क्या ग्रेट खली है, इमरान क्या रोमन रेंस है, अरे मेरे को वो बनना भी नहीं है रे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मत मोहम्मदी हूँ और हमेशा उम्मत मोहम्मदी रहूँगा और ईमान पे रहूँगा, और वक्त के फिरौन का साथ देने वाले कौम के दुश्मनों को हमेशा जवाब देता रहूँगा। और जो तुम ख्वाजा बिलाल को कंपेयर कर रहे हो मुझसे, ख्वाजा बिलाल एक गिरगुट है जो मदीना मुनव्वरा में बैठ के कसम खाकर फिर से MIM में झुक गया, मैं वैसा नहीं हूँ मेरे भाई, ना ही तेरे जैसा हूँ मैं। और जो तू बोल रहा है ना बादशाह बोलकर, वो हम उनको नौकर बोलते हैं, और बादशाह की बात बोलता हूँ तुझको, नमरूद फिरौन भी अपने आप को बादशाह बोलते थे, उनका हशर क्या हुआ याद कर ले, इंशाल्लाह इनका भी वही होगा। और हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह और रसूल को ही अपना बादशाह अपना रहबर अपना कायद है, वो तुम्हारी तरह असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी को नहीं मानते हम। और तुमको बोलूँगा मैं, ईमान वाले की ताकत का अंदाज़ा तुमको पता नहीं है, ऐसे तो सब कुत्ते मेरे बारे में ये वो वीडियो बनाते हैं, मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि फालतू कुत्ते भूखते रहते, इसलिए लाइट लेता हूँ, तुमको इसलिए जवाब दे रहा हूँ। तुम बादशाह में असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी को शामिल करे, बादशाह क्या होता है मालूम करो, आज बादशाह है बल्कि वो मस्जिद शहीद हो रही है, फुल सिटी में मुसलमानों का कत्ल होता है हर हफ्ते में एक बार, और ओल्ड सिटी डेवलपमेंट हो रहा है, ओल्ड सिटी के मुसलमान हो या तेलंगाना के मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिल रहा है, तुम्हारे बादशाह है बल्कि तुम्हारे बादशाह जो तुमको नज़र आ रहे हैं, कल के दिन तुम उनसे कुछ और रिश्ता बना लेते, क्योंकि दलालों की आदत यही रहती है। मैं हर मुसलमान को कहूँगा आगे आए, अपना हक है हर किसी से सवाल करना और करते रहना, ये कुत्ते भूखते रहते, भूखने दियो इनको। अल्लाह हाफिज़।